से पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स को देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। तो आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सेंट्रल बैंक है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इंडिया की सेंट्रल बैंक है, मेन बैंक है, ये अपेक्स बॉडी है। और आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो आरबीआई की जो इस्टेब्लिशमेंट के ईयर है वो 1 अप्रैल 1935 है। और आरबीआई का जब एक्ट फ्रेम हुआ था वो एक्ट कब बना था? 1934 में। तो पहले एक्ट आ गया, देन आरबीआई इस्टेब्लिश हुई। सो आरबीआई किसकी रिकमेंडेशन पे इस्टेब्लिश हुई थी? तो हिल्टन यंग कमीशन जो थी उनकी रिपोर्ट और उनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे आरबीआई की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो पहले एक्ट बना, देन इस्टेब्लिशमेंट हुई। तो इनिशियली सेंट्रल ऑफिस कहाँ पे था आरबीआई का? कोलकाता में था, जो कि 1937 के बाद परमानेंटली शिफ्ट हो गया मुंबई में। राइट, आरबीआई कैसी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू फुली ओन्ड है। लेकिन जब आरबीआई की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी तो उस टाइम पे आरबीआई प्राइवेट जॉइंट और स्टॉक कंपनी थी, मतलब ये प्राइवेटली होल्ड की गई थी और ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी। लेकिन बाद में जब बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ तो उस टाइम पे आरबीआई को नेशनलाइज किया गया और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू फुली ओन्ड कर ली गई। राइट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बैंकर्स बैंक। और अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इस टाइम आरबीआई के गवर्नर कौन है? श्री शक्तिकांत दास, जो कि एक आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। राइट, तो आगे हम देखते हैं आरबीआई के बारे में कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी मैनेजमेंट कैसी है। तो जो पूरी आरबीआई की मैनेजमेंट है वो कैसे मैनेज की जाती है? सेंट्रल बोर्ड और लोकल बोर्ड के थ्रू मैनेज की जाती है। अब सेंट्रल बोर्ड में कौन कौन से लोग होते हैं? तो सेंट्रल बोर्ड को जो अपॉइंटमेंट होती है वो कौन करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। वहाँ पे एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। राइट, जिनके अपॉइंटमेंट कितने, उनका जो टाइम टेन्योर होता है वो कितने साल का होता है? 5 ईयर्स का। तो 1 गवर्नर की जो बात कर रहे हैं वो कौन है इस टाइम पे? श्री शक्तिकांत दास हैं। और जो 4 डिप्टी गवर्नर की बात करते हैं तो वो कौन है? तो वो हैं आपके एम राजेश्वर राव, जो कि 2020 में इलेक्ट हुए हैं, अभी अपॉइंट हुए 2020 में, और बीपी कानूनगो। उसके अलावा एमके जैन हैं, एमडी पात्रा हैं। तो ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं जो कि अपॉइंटेड हैं और इनका कार्यकाल जितना है 5 साल का है। इसके अलावा 10 अदर डायरेक्टर्स भी होते हैं जिनको कौन नॉमिनेट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही नॉमिनेट करती है। और ये जो 4 डायरेक्टर्स होते हैं इनका जो टेन्योर होता है वो 4 ईयर्स का होता है। और ये अलग अलग फील्ड से आते हैं, जैसे कि कोई इकोनॉमिस्ट हो गया, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया, पर ये अपने अपने फील्ड में बहुत ही फेमस पर्सनालिटी होते हैं। तो 10 डायरेक्टर्स जो होते हैं वो आ जाते हैं। और कौन आते हैं? 4 डायरेक्टर्स आते हैं जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं लोकल बोर्ड से। तो 4 इनकी लोकल बोर्ड होती है, सो 4 लोकल बोर्ड से 4 डायरेक्टर्स आ जाते हैं। और इनका टेन्योर कितना होता है? 5 ईयर्स का होता है। उसके अलावा गवर्नमेंट का एक ऑफिसर होता है जो कि जितनी भी सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग्स होंगी उसको अटेंड करेगा। इनका कोई टेन्योर फिक्स नहीं होता है कि वो कितने साल के लिए रहेंगे, लेकिन हाँ, इनके पास कोई वोटिंग की पावर नहीं होती है। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव की तरह आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट का एक ऑफिसर होगा जो हर मीटिंग में रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। राइट, पर इनके पास वोटिंग की पावर नहीं होती है, कोई कार्यकाल का टाइम भी फिक्स नहीं होता है। सो सेंट्रल बोर्ड जो होता है वो साल में 6 बार, कम से कम 6 बार उनकी मीटिंग होनी चाहिए। एटलीस्ट 6 टाइम्स वो एक साल में मीट कर रहे हों सेंट्रल बोर्ड्स। इसके अलावा भी गवर्नर जब चाहेगा, जब उनको लगेगा कि ज़रूरी है, वो इनकी मीटिंग को कॉल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सेंट्रल बोर्ड। अब बात करते हैं लोकल बोर्ड की। सो लोकल बोर्ड की बात अगर करते हैं तो 4 रीजन्स होते हैं। अब कंट्री में इनके 4 रीजन्स हैं और वहीं से 4 जो है लोकल बोर्ड की बात कही जा रही है। कौन कौन से हो गए रीज़न? एक तो मुंबई हो गया, कैलकटा हो गया, चेन्नई हो गया और आपका न्यू दिल्ली हो गया। तो हर एक से एक डायरेक्टर होते हैं, चारों बोर्ड से एक डायरेक्टर होते हैं जो जितने भी रीजन है, और हर बोर्ड में 5 मेंबर रहते हैं। तो ईच बोर्ड कंसिस्ट 5 मेंबर्स। तो मुंबई के अलग, कलकत्ता के अलग, चेन्नई के अलग, न्यू दिल्ली की अलग होगी। ठीक है, तो 4 ये आपके हो गए लोकल बोर्ड्स होते हैं, 4 रीजन से होते हैं। उसके अलावा इनके अपॉइंटमेंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इनका जो टेन्योर होता है वो कितने सालों का होता है? 4 ईयर्स का होता है। सो द मेन फंक्शन इज़ टू एडवाइस सेंट्रल बोर्ड ऑन लोकल मैटर्स एंड डील विद द मैनेजमेंट ऑफ द रीजनल कमर्शियल ट्रांजेक्शन। तो ये जो लोकल बोर्ड होती है अलग अलग रीजन की जो होती है वो क्या करती है? सेंट्रल बोर्ड को एडवाइस करती है उनके मेन फंक्शंस में, और साथ ही जो उनके रीजन में जो भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन हो रहे होते हैं उनके मैनेजमेंट को वो डील करती है, पूरी मैनेजमेंट करती है उसकी। तो ये तो इनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो गया। इसको फ्रेम करके देखते हैं तो मेनली आरबीआई के क्या हो गए? 2 हो गए। एक तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए और दूसरा क्या हो गया? लोकल बोर्ड हो गई। तो लोकल बोर्ड तो 4 रीजन हो गए आपके,
राइट, वहाँ से जाती है और 5 मेंबर होते हैं ईच में और वो उनका कार्यकाल भी आपका डिसाइडेड होता है। सेंट्रल बोर्ड की बात करते हैं तो सबसे पहले कौन आ जाते हैं, आपके गवर्नर आ जाते हैं, देन कौन आ जाता है, आपके डिप्टी गवर्नर आ जाते हैं जो कि 4 होते हैं, राइट, देन आपके एग्जीक्यूटिव गवर्नर होते हैं। इसके अलावा इनका ट्रेनिंग डिपार्टमेंट भी होता है। तो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो मतलब आरबीआई क्या करती है, अपने स्टाफ को टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी से एडवांस करने के लिए आप ये क्या करती है, बैंकों को अपडेट करती रहती है। तो इनके 3 बेसिकली इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं, जैसे बैंकिंग ट्रेनिंग कॉलेज मुंबई में है, इसके अलावा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग पुणे में है, और एक और आपका रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज जो कि चेन्नई में है। तो ये पूरा इनका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है आरबीआई का, राइट। सो अब हम क्या करते हैं, आरबीआई के फंक्शन की बात करते हैं, लेकिन साथ में देखिए कि सेंट्रल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के अलावा जो है सेंट्रल ऑफिस डिपार्टमेंट भी इनका होता है, जिसमें स्टाफ मेंबर्स होते हैं जो हेल्प कर रहे होते हैं ऑफिस स्टाफ। फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो प्राइमरी फंक्शन की जो बात कहते हैं, तो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है आरबीआई का, टू रेगुलेट द मॉनिटरी सिस्टम ऑफ कंट्री। जो भी मॉनिटरी सिस्टम है, मॉनिटरी पॉलिसीज कैसे अडॉप्ट करनी है कंट्री की, वो सारी जो है इनकी प्राइमरी फंक्शन होती है। और ये इस तरीके से फ्रेम करनी चाहिए कि जिससे कि क्या हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए। लेकिन वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आप लाने के लिए कोई भी पॉलिसी फ्रेम नहीं कर देंगे, वो पॉलिसी आपकी कंट्री की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसी के अंदर होनी चाहिए, उनके फ्रेमवर्क के अंदर होनी चाहिए। तो प्राइमरी फंक्शन क्या हो गया, मॉनिटरी सिस्टम को रेगुलेट करना, उसके लिए मॉनिटरी पॉलिसीज को फ्रेम करना अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने है, उसको प्रमोट करना। ये जो आपकी इनकी प्राइमरी फंक्शन की जो बात कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग हम किसकी कर रहे हैं, आरबीआई एक्ट 1934 के प्रीएम्बल की अकॉर्डिंग कर रहे हैं। प्रीएम्बल मतलब उनके प्रस्तावना, जो मेन मोटिव जहाँ पे दिया गया है। तो वहाँ पे क्या क्या बातें कही गई, वहाँ पे कहा गया था कि टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व विथ अ व्यू टू सिक्योरिंग मॉनिटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया एंड जनरली। तो क्या कहा गया कि जो मेन बात है आरबीआई की वो क्या होगी, नोट को इशू करना, बैंक नोट्स को इशू करना, उसको रेगुलेट करना और रिजर्व्स को मेंटेन करना, जिससे कि इंडिया में जो मॉनिटरी स्टेबिलिटी की बात कही जाती है वो रह सके, मेंटेन हो सके। इसके अलावा टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ कंट्री टू इट्स एडवांटेजेस। उन जो भी करेंसी है कंट्री की, उनको उनके क्रेडिट सिस्टम को अच्छे से मैनेज करना। आपको पता होगा कि आरबीआई के पास ही ये पावर होती है कि वो क्रेडिट को कंट्रोल कर सकती है। क्रेडिट कंट्रोल के अलग टेक्निक्स होती हैं, लाइक क्वालिटेटिव टेक्निक्स एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होती हैं, पर ये टेक्निक अडॉप्ट करना और ये टेक्निक अप्लाई करने की जो पावर होती है वो सिर्फ किसके पास होती है, आरबीआई के पास होती है। करेंसी सर्कुलेट करना क्रेडिट को, तो ये सब चीज़ें जो हैं किसके थ्रू हैं, आरबीआई के प्रीएम्बल में ही बात मेंशन है। और ये एडवांटेजेस किस लिए है कि इससे क्या हो सके, मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो फ्रेम हो सके, जिससे टाइम टू टाइम जो इकोनॉमिक में कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती है हम उस चैलेंजेस को मेट आउट कर सके, राइट। सो ये सब करके हम क्या करेंगे, प्राइस स्टेबिलिटी रखते हैं। प्राइस जो फ्लैक्चुएट करती है, जैसे इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या हो जाती है, प्राइसेस बहुत राइज कर जाती हैं, तो हम इन सब के थ्रू क्या कर सके, प्राइस को मेंटेन कर सके, स्टेबल कर सकें। पर ये सब किस बेसिस से कर सकेंगे, जिससे कि हमारी ग्रोथ होती रहे। जो हमारा मोटिव है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इकोनॉमी की ग्रोथ करना। तो ये सब फंक्शन आरबीआई परफॉर्म करेगी, लेकिन किस मोटिव के साथ, इकोनॉमी की ग्रोथ करना, राइट। मेन जो ऑब्जेक्टिव रहेगा उसमें स्टेबिलिटी लाना, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाना, यही रहेगा, राइट। तो अब इन सब के बेसिस पे इनके फंक्शन को क्लासिफाई किया गया है, राइट। तो फंक्शन को जब क्लासिफाई करते हैं तो मेनली अगर हम फंक्शन की बात करें तो 3 तरीके के फंक्शन आते हैं। एक तो आपका होता है सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन, जो हम कहते हैं कि हाँ ये मेन फंक्शन है जो आरबीआई परफॉर्म करती है, जो आपने अभी प्राइमरी फंक्शन के बेसिस पे देखा है। इसके अलावा क्या हो जाता है, इनके प्रमोशनल फंक्शन होते हैं। जो आरबीआई का काम है कि जो इंडस्ट्रीज, जो एरिया हमारा बैकवर्ड में जा रहा है उसको प्रमोट करने के लिए, कैसे हम बैंकिंग हैबिट्स लाएं या बैंक्स को डेवलप करें कि जिससे वो जो अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं वो प्रमोट हो सके, तो उसके लिए हमने प्रमोशनल फंक्शन लाया। इसके अलावा जो भी हम काम कर रहे हैं, जो हम बैंक को स्टैब्लिश करके रखा है, उस वो सही से हो रहा है कि नहीं, तो उसकी देखरेख के लिए इन्होंने जो नेक्स्ट फंक्शन परफॉर्म किया, दैट इज सुपरवाइजरी फंक्शन। तो हम एक एक फंक्शन को अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन। तो सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन में क्या कहा गया कि मोनोपोली ऑफ नोट इश्यू। मोनोपोली ऑफ नोट इश्यू मतलब
आरबीआई की मोनोपोली है नोट इशू करने की, मतलब नोट इशू करने का जो इकलौता पावर है वो किसके पास है, आरबीआई के पास है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि 1 रुपीज़ का नोट और जो स्मॉल कॉइन्स हैं वो भारत सरकार इशू करती है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो इशू करती है, रैदर देन मतलब एक्सेप्ट दीज, जितने भी नोट हैं वो किसके थ्रू इशू किए जाते हैं, आरबीआई के थ्रू। लेकिन इसके साथ आप ये भी याद रखिएगा कि आरबीआई जब नोट इशू करती है तो नोट इशू करने के लिए कुछ मेथड्स हैं कि आप नोट इशू किन मेथड को अप्लाई करके कर सकते हैं। 7 मेथड्स दिए गए हैं नोट इशू के। तो हमारी जो कंट्री अडॉप्ट करके रखी है वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम रखी है। पहले हम प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम अडॉप्ट करके बैठे थे, अब हमारी कंट्री मिनिमम रिजर्व सिस्टम अडॉप्ट करके रखी हुई है। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या कहता है कि मिनिमम रिजर्व आपको एज अ गोल्ड फॉर्म में और अदर सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में रखना होगा और उसकी बेस बना के उसी के बेसिस पे आप नोट इशू कर सकते हैं जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो इसी के बेसिस पे ये नोट इशू करती है। और क्या है इनका बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। तो ये आरबीआई क्या है, गवर्नमेंट की भी बैंक होती है। गवर्नमेंट को फंडिंग चाहिए तो आरबीआई प्रोवाइड करती है उनके रिजर्व्स और बाकी चीज़ों के लिए भी बैंक है। तो जो बैंकिंग फैसिलिटी आप जानते हैं आरबीआई, वो सारी बैंकिंग फैसिलिटीज़ किसको प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट को। सो गवर्नमेंट की बैंक कौन हो गई, आरबीआई हो गई, बैंकर्स बैंक। आरबीआई बैंकों की भी बैंक है। तो जैसे हमारे लिए बैंक का मतलब क्या होता है कि जब हमें डिपॉजिट अपने सेविंग्स को डिपॉजिट करना है तो हम जाके बैंक में डिपॉजिट करते हैं, हमें लोन चाहिए तो हम क्या करते हैं बैंक से लोन ले लेते हैं। इसके अलावा भी बैंक बहुत सारे एजेंसी फंक्शंस भी परफॉर्म करती है, नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स बहुत सारे एजेंसी फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। तो हम बैंक के लिए बैंक के पास जाते हैं, हमें जो भी काम करना हो तो हम उसके लिए बैंक के पास जाते हैं। इसी तरह बैंक को जब ये सब एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है तो उनके लिए भी कोई बैंक होनी चाहिए। सो आरबीआई बैंकों की बैंक होती है, मतलब उनके डिपॉजिट्स रखती है, उनको लोन प्रोवाइड करती है। तो ये बैंकर्स है बैंक की, राइट। इसके अलावा लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट रिपोर्ट। तो अगर जब कहीं कुछ नहीं होता है तो कौन सामने दिखता है, आरबीआई दिखती है। तो मतलब होता है कि कोई पैसे नहीं दे रहा तो भी वो कौन देने के लिए रेडी है, आरबीआई रेडी रहती है। तो ये लेंडर है एज अ लास्ट रिजॉर्ट, हम बात करते हैं इसकी। इसके अलावा क्या है इसका फंक्शन है, मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वैल्यू ऑफ रुपीस। तो फॉरेन एक्सचेंज मतलब समझिएगा कि जब फॉरेन करेंसी का कन्वर्जन होता है, कर एक्सचेंज मतलब लेन देन करना ना, एक्सचेंज करना। तो फॉरेन एक्सचेंज मतलब जब फॉरेन करेंसी में लेन देन होता है, मतलब हमारी करेंसी उनमें कन्वर्ट हो, उनकी करेंसी हमारे में आए, तो करेंसी कन्वर्जन को हम फॉरेन एक्सचेंज से डिनोट करते हैं। तो जो रुपीज़ की वैल्यू है उसको मेंटेन करना, फॉरेन एक्सचेंज में रुपीज़ की जो वैल्यू होती है, जैसे डॉलर, $1 इज इक्वल टू कितने रुपए चल रहे हैं, 73 रुपीज़ चल रहे हैं। तो $1 की जो ये 73 रुपीज़ की जो वैल्यू है ये बार बार फ्लैक्चुएट करती है, कभी 73 है, कभी 60 पहुंच जाए, कभी 50 पहुंच जाए। ये जो फ्लैक्चुएशन है बहुत ह्यूज फ्लैक्चुएशन हो जाएगा। तो ये इतना ज़्यादा फ्लैक्चुएट होगा तो कोई भी कंट्री आप पे डील नहीं करना चाहेगी, कोई भी फॉरेन कंट्री आपसे डील नहीं करना चाहेगी, क्योंकि आपकी वैल्यू क्या है, बार बार फ्लैक्चुएट कर रही है। और आपकी भी कंट्री एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने से पहले 100 बार सोचेगी, क्योंकि इससे उनको लॉस हो सकता है। तो जो ये फॉरेन एक्सचेंज में रुपीज़ की जो वैल्यू है उसको क्या करना है, मेंटेन करना, उसको स्टेबल करने का भी काम आरबीआई का होता है। इसके अलावा क्या होता है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, क्रेडिट को कंट्रोल करना। जैसे कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्राइस, मतलब जो कमोडिटीज़ हैं, गुड्स सर्विसेज, उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है लेकिन जो मनी की वैल्यू है वो क्या है, बहुत ही कम है। ऐसा क्यों होता है, जब कंट्री में मनी की सप्लाई, नोट्स बहुत बढ़ जाते हैं, मनी की सप्लाई इंक्रीज कर जाती है, तो हमें क्या करना होगा, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना होगा। कैसे करेंगे, तो एक रीज़न बैंक्स होती हैं, तो क्या करेंगे, कमर्शियल बैंक्स को बोलेंगे कि भाई आप लोन कम प्रोवाइड करो। तो जब लोन कम प्रोवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, या हम कहें कि हम आपको इंटरेस्ट बहुत प्रोवाइड करेंगे, बैंक बोले हम सेविंग्स पे इंटरेस्ट बहुत देंगे, तो लोग क्या करेंगे, अपने पैसों को जाके डिपॉजिट करना शुरू कर देंगे बैंक के पास। तो उससे क्या हो जाएगा, इन आपको क्या होगा कि मनी इकोनॉमी से मनी की जो सप्लाई है वो कंट्रोल होगी। तो कंट्रोल जो करना है क्रेडिट को, वो टेक्निक भी किसके पास है, आरबीआई के। मेनली दो टेक्निक्स होती हैं, एक होती है आपकी क्वांटिटेटिव, दूसरी होती है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, इन सब के थ्रू क्या करती है, आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करती है। वहीं जब क्वालिटेटिव टेक्निक्स हो गई तो क्वालिटेटिव टेक्निक्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब जैसे कि आपका आ जाता है
मॉरल सुएशन आ गया, पब्लिसिटी आ गया, डायरेक्ट एक्शंस आ गए, तो ये सारे कुछ टेक्निक्स हैं। टोटल 7 टेक्निक्स दी गई हैं जो क्वालिटेटिव टेक्निक्स के अंदर आती हैं। इनके थ्रू क्या करती है, आरबीआई कंट्रोल क्रेडिट को कंट्रोल करती है। क्लियरिंग हाउस, तो क्लियरिंग हाउस भी आरबीआई का वर्क होता है। जैसे आप जब चेक लगाते हैं तो तुरंत तो क्लियर नहीं होता है, तो वो क्या होता है, बैंकों का सेटलमेंट होता है कि एक बैंक के पास कितना डेबिट है, दूसरी बैंक का कितना क्रेडिट है, तो बैंकों का सेटलमेंट जो होता है वो क्लियरिंग हाउस में होता है। तो ये भी फंक्शन किसका हो जाता है, आरबीआई का हो जाता है। कलेक्शन ऑफ डेटा एंड पब्लिकेशन, तो डेटा को कलेक्ट करना और पब्लिश करना जो है वो भी आरबीआई के मेन फंक्शंस में आ जाता है। कि हमारे पास जैसे सपोज करिए गवर्नमेंट को डेटा चाहिए कि कितने लोगों के अकाउंट्स है, कितना डिपॉजिट्स आता है, जो स्टैटिस्टिकल डेटा होता है, कितना रिवेन्यूज आ जा रहा है, कितने डिपॉजिट आते हैं, अमाउंट कितना आ रहा है, ये सब जो स्टैटिस्टिकल डेटा है वो भी कौन प्रोवाइड कर देता है, आरबीआई प्रोवाइड करती है। वो अलग अलग बैंकों से भी डेटा कलेक्ट करती है, उनको पब्लिश करती है अपनी रिपोर्ट्स में, तो ये आरबीआई का काम है। इसके अलावा क्या करती है आरबीआई, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती रहती है। जो भी आपने देखा कि उनके ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं जिनके थ्रू वो ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। अब हम बात करते हैं प्रमोशनल फंक्शन की। प्रमोशनल फंक्शन मैंने पहले ही बताया है कि जो एरिया हमारा डेवलप नहीं है उसके अकॉर्डिंग हम उनको प्रमोट करने के लिए आरबीआई कुछ ना कुछ स्टेप्स लेती है। लाइक एग्रीकल्चर फाइनेंस के लिए उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर के बैंक को डेवलप किया, आरआरबी को डेवलप किया, नाबार्ड को ले आया। तो नाबार्ड एग्रीकल्चर के लिए एपेक्स बॉडी मानी जाती है। तो वो क्या करिए, एग्रीकल्चर को फाइनेंस करने के लिए कैसे हम आरआरबी कोऑपरेटिव सोसाइटीज और ये नाबार्ड के थ्रू उनको हेल्प कर सकते, उनको प्रमोट कर सकते, उस पर वर्क करती है। इंडस्ट्रियल फाइनेंस प्रोवाइड करती है। इंडस्ट्रियल फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए क्या हो गया, इंडस्ट्रियल बैंक को डेवलप किया, जैसे ICICI हो गया, IDBI हो गया, ये सारी कैसी बैंक है, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए डेवलप की गई बैंक है, एस्टैब्लिश की गई है सारी बैंक है। SFC हो गई, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो गई। तो ये सब क्या है, मेन मोटिव इनका इंडस्ट्रियल फाइनेंस था। देखिए जब बैंकिंग की बात करते हो, फाइनेंस की बात करते हो, तो सबके मोटिव्स अलग होते हैं, सबको फंड की रिक्वायरमेंट अलग होती है। जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो इनके फंड की रिक्वायरमेंट अलग होगी, इनको अलग टाइम पे लोन चाहिए होगा। अगर एग्रीकल्चरर्स की बात करें तो एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं उनके लोन मांगने का, उनके डिपॉजिट का अलग टाइम होगा, उनको सीड के लिए पैसे चाहिए, उनको क्या करना है, फर्टिलाइजर के लिए पानी लगाना है तो पानी के लिए पैसे चाहिए। वो आपकी EMI कैसे दे सकते हैं, नॉर्मल जैसे लोग पर्सनल लोन में EMI दे रहे हैं, हम हर मंथ EMI दे रहे हैं, वो फार्मर्स वैसे EMI नहीं दे पाएंगे। उनकी क्रॉप का सीजन होता है, अगर एक बार उन्होंने पैसे लिए तो जब तक वो क्रॉप कंप्लीट नहीं हो जाएगी, सीजन कंप्लीट नहीं होगा, तब तक वो फसल बिकेगी नहीं और वो EMI नहीं पे कर सकते, वो लोन रिपे नहीं कर सकते। तो जब उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है फाइनेंस की वो बिल्कुल अलग है, तो उस उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बैंक डेवलप करना चाहिए था। इसी तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट की अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, उनको अलग टाइम पे फंडिंग चाहिए होती है, तो उनके अकॉर्डिंग, उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमने क्या कि आरबीआई ने क्या कि बैंक्स को एस्टैब्लिश किया, तो उनको प्रमोट किया, इंडस्ट्रियल को प्रमोट किया। नेक्स्ट एक्सपोर्ट क्रेडिट, तो जैसे हमने बात की एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, तो इनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है। लाइक आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको क्या चाहिए, फंडिंग चाहिए, अभी चाहिए। जब हम एक्सपोर्ट कर देंगे और सामने की पार्टी हमें बिल क्लियर करके पैसे देगी तो हम लोन रिपे कर पाएंगे, या हमें कस्टम ड्यूटी पे करनी है, एक्साइज ड्यूटी पे करनी है, उसके लिए हमें पैसे चाहिए। हमारा जो गुड्स है वो इंपोर्ट होके आया है पर अभी जो पोर्ट है पोर्ट पे ही अटका पड़ा है क्योंकि हमने अभी तक उसकी ड्यूटी पे नहीं की, उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है, तो अब हम उसके लिए लोन चाहिए। तो हम लोन कैसे देंगे, नॉर्मल बैंक नहीं प्रोवाइड कर पाएगी, तो अब उसके लिए स्पेसिफिक बैंक होनी चाहिए जो उस पर्पज़ को समझे। तो वो क्या करेगी, आपके गोडाउन, आपका जो इतना माल आया है उसकी वैल्यू कितनी आई, उसके अकॉर्डिंग वो आपको लोन दे सकती है। तो मतलब सबके नीड अलग थी, सबके पर्पस अलग थे, तो उनको प्रमोट किया गया। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट को प्रमोट करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, एक्जिम बैंक को डेवलप किया, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक जो है एक्जिम बैंक को डेवलप कर दिया। इसी तरह बिल मार्केट स्कीम लाई, हमारे पास क्या था, हमारी जो बिल मार्केट थी बिल्कुल अनऑर्गेनाइज थी, जैसे हुंडी वगैरह जैसे कहते थे अनऑर्गेनाइज था। हमारा जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट था उसके लिए कोई प्रॉपर मार्केटिंग नहीं थी कि कहाँ पे ट्रेजरी बिल को डील किया जाए, कहाँ कमर्शियल पेपर को डील किया जाए, कहाँ बिल ऑफ एक्सचेंज को डील किया जाए,
प्रोमिसरी नोट को कहाँ डील किया जाए, तो इनके लिए भी एक स्कीम लाई गई, इनकी मार्केट बनाई गई कि आपको डिस्काउंट करना है बिल ऑफ एक्सचेंज को, आप वहाँ डिस्काउंट करा जाए, प्रोमिसरी नोट को डिस्काउंट करना आप करा सकते हैं। तो पूरा बिल मार्केट को डेवलप किया, उसकी स्कीम को लाया है इन्होंने। तो इस तरीके से इन्होंने अलग अलग एरिया को प्रमोट किया, ये भी किसका काम था, आरबीआई ने ये फंक्शन परफॉर्म किए। इसके अलावा क्या है, बैंकिंग सिस्टम को अच्छे से रेगुलेट किया इन्होंने कि पूरा बैंकिंग सिस्टम, जैसे यूनिवर्सल बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, यूनिट बैंकिंग, तो जो बैंकिंग सिस्टम था आपका उसको अच्छे से इन्होंने क्या किया, रेगुलेट किया। क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर एंड वीकर सेक्शन, प्रायोरिटी सेक्टर्स को कितना क्रेडिट मिलना चाहिए, वीकर सेक्शन को कितना क्रेडिट मिलना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग उनको फंडिंग प्रोवाइड किया, ये भी इनके प्रमोशनल फंक्शन में आ गए। देन हमारा आ जाता है सुपरवाइजरी फंक्शन, मतलब हम जो काम कर रहे हैं, जो हमने बैंकों को इस्टेब्लिश किया, कमर्शियल बैंक को इस्टेब्लिश किया है, राइट, शेड्यूल्ड नॉन शेड्यूल्स बहुत तरीके के बैंक हो गए, इसमें प्राइवेट पब्लिक फॉरन बैंक्स आ जा रही, तो ये जितने भी बैंक्स इस्टेब्लिश हुए हैं जिन पर्पज़ के लिए, जिन मोटिव से हमने इस्टेब्लिश किया, अब वो सब काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये कैसे होगा, सुपरवाइजरी फंक्शन के थ्रू इन्होंने देखा। तो ये क्या करती है, इसमें लाइसेंसिंग प्रोवाइड करना, कोई नई बैंक ओपन करनी है, नई ब्रांच ओपन करनी है, तो उसके लिए आपको लाइसेंस कहाँ से मिलेगा, आरबीआई प्रोवाइड करेगी। तो आरबीआई चेक करेगी कि भाई आपका जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से कैपिटल है कि नहीं, प्लेस है कि नहीं है, नेटवर्थ है कि नहीं है, और उस हिसाब से आपको लाइसेंस प्रोवाइड की जाएगी। इंस्पेक्शन ऑफ अ बैंक, बैंक की टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करती है कि आपका जो कैपिटल का अमाउंट है वो कैपिटल अमाउंट आप एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, आपकी डेप्ट इक्विटी का रेशियो जो होना चाहिए वो है कि नहीं है, आपके क्या लोन की पोजिशनिंग है, एडवांसेस की पोजिशनिंग क्या है, तो इस हिसाब से आपकी हर एक चीज़, टीयर वन की कैपिटल, टीयर टू की कैपिटल, आप CRAR को फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं, मतलब ये क्या करेगी, वो टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करती रहेगी इन सब चीज़ों की। कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट, तो जितने भी बैंक्स हैं जो उनके मैनेजमेंट है उनका पूरा कंट्रोल आरबीआई देखती है, उनकी अपॉइंटमेंट की कैसे इनको अपॉइंट करना है, रीअपॉइंट करना है, उनकी सैलरी और बाकी चीज़ों को पूरा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, इवन प्राइवेट सेक्टर बैंक के भी, खासकर इन चीज़ों को वो अच्छे से सुपरवाइज करती है। देन ऑडिट करती है बैंक, क्या करती है आरबीआई, क्या करती है, टाइम टू टाइम बैंकों की ऑडिट करती रहती है। जैसे कि आप समझिए कमर्शियल बैंक्स हो गई, पब्लिक सेक्टर्स बैंक हो गई या प्राइवेट बैंक हो गई, इनकी गवर्नमेंट क्या, आरबीआई क्या करती है, एक टाइम पे ऑडिट करती है, जिसे कहते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट, मतलब वो ऑडिट आरबीआई कराती है, साल में एक बार कराती है, मार्च या अप्रैल में मंथ में करा देती है। तो आरबीआई ये ऑडिट करा के क्या देखती है कि आपकी एग्जैक्ट पोजिशनिंग क्या है, आप जो बैलेंस शीट हमें दिखाते हैं उसमें जो पोजिशनिंग दिख रही है वो, और आपकी रियल कंडीशन क्या है, NPA की क्या कंडीशन है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जिन्हें हम कहते हैं, ऐसा तो नहीं कि आपके लोन रिपे करने की कैपेसिटी में ही नहीं है, क्योंकि बैंकों के लिए लोन जो होता है उनकी एसेट्स होती है, डिपॉजिट जो होते हैं उनकी लाइबिलिटीज होती हैं, तो क्या आपके एसेट्स आपको अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। NPA ज़्यादा तो नहीं हो गया, NPA ज़्यादा होगा तो बैंक लॉस में जाएगी क्योंकि प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। तो रियल कंडीशन आपके बैंक की क्या है, ये आरबीआई क्या करती है, टाइम टू टाइम ऑडिट करके देखती है। तो आरबीआई जो ऑडिट करती है उसको क्या नाम देते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट देते हैं। इसके अलावा भी वो, इन सब के अलावा भी बहुत अलग अलग तरीके से अदर फंक्शंस भी सुपरवाइजरी नॉर्म्स में वो परफॉर्म करती रहती है। तो ये सारे के सारे हमने देख लिए हैं जो आरबीआई के फंक्शंस थे। तो हमने पूरा आरबीआई का देखा कि कैसे आरबीआई एस्टैब्लिश हुई, एक प्राइवेट ओन बैंक की तरह एस्टैब्लिश हुई थी, आपकी रॉयल हिल्टन यंग कमीशन, जिन्हें रॉयल कमीशन भी कहते हैं, हिल्टन यंग कमीशन के थ्रू एस्टैब्लिश की गई थी, बाद में उसका नेशनलाइजेशन हुआ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू होल्ड की गई बैंक बन गई, पूरी तरीके से पब्लिक बैंक बन गई, राइट, नेशनलाइज्ड बैंक बन गई आरबीआई, ये अपेक्स बॉडी है पूरी तरीके से, सारी बैंकों की बैंक है वो। तो ये हमने पूरा उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसके गवर्नर्स और डिप्टी गवर्नर्स के बारे में देखा। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।